अब व्हाट्सएप को यूज करने के लिए अब आपको मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों व्हाट्सएप जो है अब अपना प्रीमियम प्लान सब्सक्रिप्शन लेके आने वाला है, यानी ये प्लान अब बिजनेस यूजर्स के लिए होंगे और इसमें आपको कुछ पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। बात करें दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस प्रीमियम प्लान की, तो इसमें पहले 4 डिवाइस कनेक्ट होते थे और अब जो है इसमें 10 डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। और भी बहुत सारे फीचर नए नए आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इन सभी सारे फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि इसमें आपको कितने पैसे देने होंगे। जो प्रीमियम प्लान है दोस्तों वो है सिर्फ बिजनेस यूजर्स के लिए। ये अगर आपने बिजनेस यूजर्स हैं और बिजनेस वाला व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके लिए ये प्लान होगा जिसमें आपको कुछ पैसे देने की जरूरत होगी। और नए वाले व्हाट्सएप में दोस्तों बात करें तो इसमें आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप YouTube, Facebook, Instagram, Twitter किसी तरह की भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। और लिंक ऐड करने के बाद दोस्तों अगर आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाहते हैं, तो आप उसे 90 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉलिंग फीचर की बात करें तो जैसे यहाँ पे कुछ लोग ही ऐड हो पाते थे व्हाट्सएप कॉलिंग में, लेकिन यहाँ पे अब जैसे ही यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस प्रीमियम प्लान आ जाएगा तो इसमें और भी ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। जैसे कि जूम की मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें और भी ज्यादा लोग होते हैं, तो व्हाट्सएप बिजनेस में भी यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जुड़ पाएंगे। और बात करें दोस्तों जैसे वो ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, तो उसमें पहले 256 लोग ऐड होते थे, तो उसके बाद 2022 में 512 लोग ऐड होना शुरू हुए, लेकिन बिजनेस प्रीमियम प्लान आने के बाद इसमें आपको 1024 लोग ऐड हो सकेंगे आसानी से। दोस्तों चलते चलते ये भी आपको बता दें कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को बाई किया था 2014 में। और व्हाट्सएप को दोस्तों दुनिया भर में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, यानी 2.2 बिलियन लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप को पूरी दुनिया में। और भारत की दोस्तों बात करें तो भारत में व्हाट्सएप के 55 करोड़ यूजर्स हैं। हाल फिलहाल दोस्तों अभी तक इसका प्रीमियम प्लान का सब्सक्रिप्शन का कोई भी अभी मैसेज नहीं आया हुआ है कि इसमें आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज करने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे ही इस पे कोई ऑफिशियल बयान आएगा व्हाट्सएप की तरफ से तो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे कि इस प्रीमियम बिजनेस व्हाट्सएप का आपको कितना चार्ज देना होगा। दोस्तों व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जो कि दुनिया भर में काफी पॉपुलर है और इसका लोग यूज भी करते हैं, लेकिन इसका कट्टर प्रतिद्वंदी जो है वो है टेलीग्राम। वो काफी आए दिन इसके अपोजिट ट्वीट करता रहता है, लेकिन व्हाट्सएप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि व्हाट्सएप दुनिया भर में अलग ही पॉपुलरिटी मचा रहा है।